मेरी तो बहुत दिनों से इच्छा थी भट्टी में जाने की, पर लौकिक परिवार की वजह से नहीं जा पाए भट्टी में। कुछ ऐसी ही समस्याएं पद की होती भर्ती हैं। में जाने की इच्छा हाँ, थी, लेकिन मेरी इच्छा बाबा ने पूर्ण की कि भट्टी यहीं पे हो। मतलब आपके लिए ही भर्ती हुई है ये। हाँ, मैं तो यही चाहती हूँ कि भट्टी मेरे ही लिए है। और ऐसी भी सेवाएं मिलती थी, दीदी मधुबन चली जाती थी, जहाँ आते थे वो हमें मतलब योग मिलता था। दीदी हम चाहती थी कि मैं योग करूँ और अच्छे से करूँ, तो उतना मुझे नहीं हो पाता था जो मैं चाहती थी, क्योंकि आप फरिश्ता तो मैं बनाती थी, फिर कुछ ही समय जैसे सामने संकल्प सामने देखे बात। गलत आते थे, मतलब जब भी करो तो कुछ इधर उधर की बातें आ जाती थी, खटकती थी, और एक फरिश्ता छोड़ने में एक ही जगह दूसरी जगह नहीं पहुंच पाती थी। तो ऐसा हुआ, आपके बताने से कल मुझे फरिश्ता बनाना आया, हर जगह छोड़ने की विधि समझ में आई, कैसे छोड़ना है, कैसे बनाना है, कहाँ पे ले जाना है। तो ये आया आज, जो जब मैं कल शाम को बैठी योग में, तो मुझे ऐसा हुआ कि मुझे लग रहा था कि मेरी ये शरीर कैसे हो गई, मुझे ये नहीं समझ में आया। बस मुझे गोल्डन रेड लाइट दिख रही थी और मैं अपने ही शरीर को चिट्ठियों से काट रही थी कि क्या हो गया है मेरी शरीर में। तो मुझे तो यही लगता है ये भट्टी मेरे ही लिए हुई है, और खुशी हो रही बहुत है? ज्यादा। और घर में मतलब मैं परिवार से ही हूँ, मेरी ज्वाइंट फैमिली है, मतलब चाहना थी कि तीनों दिन की भट्टी मैं अटेंड करूँ। ऐसे ही सब लोग बदले हुए हैं कि हम लोगों को चांस मिला। ये बहन जो अभी हमको सुना के गई है, दोनों साथ में ही रहते हैं, तो अच्छा, बहुत अच्छा सहयोग। रोज रात में कई बार उठ उठ के हमें देना करना था, तो देख रहे हैं क्या टाइमिंग हुई, क्या टाइमिंग हुई, टाइम से हम पहुंच गए। ये बाबा का कमाल है, बाबा ने भेजा। और सबसे अच्छी बात तो है मेरी दीदियां जो यहाँ की हैं, उनकी सुभावना हम लोगों के साथ है। हमारा सभी भाई बहनों से ओम शांति। और आप लोग कहाँ बैठे हैं? विदेही भवन, विदेही भवन। और हमारा जो तन यहाँ विदेही भवन में है और मन मधुबन में है। बाबा ने कितना कितना यहाँ ला करके किन किन शब्दों से, किन किन रत्नों से यहाँ पर इतने दिन, जो 3 दिन की जो भट्टी चली है, वो ऐसा महसूस हुआ कि इस विदेही भवन में कोई विदेही बन करके हम सबको विदेही बना रहा है। एक तो चीज ये देखी अनुभव की बात, और दूसरी जब भाई हमारे जो ज्ञान सुनाते बार बार, एक बार नहीं बार बार, ये कई बार दोहराते रहते हैं, और जो वास्तव में हमारी जरूरत की चीज है, क्या खुशी, जरा मुस्करा दो आप सभी, मुस्करा दो। तो मुस्कराने की जो ये कला है, कि जो मुस्कराना, अंदर अंदर मुस्कराना जो है, तो ये मुस्कराने की जो कला होती है वो अपने को भी शक्ति देती है और पड़ोसी को भी शक्ति देती है। जहां तक नजर जाती है वहां तक शक्ति जाती है, ऐसा अनुभव हुआ। अब बाबा ने जो देखा अभी तक, जो अनुभव किया, जितने भी भाई के गीत हैं, जितने भी गीत मैंने सुने हैं और जो भी होंगे, उस पर भी मुझे यही विश्वास है क्या, कि भाई के जितने भी गीत हैं वो सब अनुभूति के आधार पर हैं, अनुभूति के आधार पर। और मैं तो ये कहूंगा और बाबा से निवेदन करूंगा कि रमेश भाई का नाम अनुभूति कुमार हो जाना चाहिए, क्योंकि आप अनुभूति के भंडार हैं। अनुभूति के माध्यम से, ये कोई किताब की बात नहीं है, ये कोई लिखा पढ़ी की बात नहीं है, जो भी 3 दिन में भट्टी के माध्यम से परोसा है हमको, हम आपको, वो सारा अनुभव का बेस है, अनुभव का आधार है। और मैं तो यहां तक तो उम्मीद करता हूं कि इतनी आपने यहां एनर्जी फैला दी है, यहां से आप चले जरूर जाएंगे, लेकिन फरिश्ता की जो आपने लाइन समझाई है कि कैसे हम फरिश्ता बनते हैं, तो आप फरिश्ता बनकर मधुबन में रह करके कहीं भी रहेंगे, लेकिन यहां वो भट्टी का काम चलता रहेगा। बच्चे बनते रहेंगे, बच्चे पकते रहेंगे इस भट्टी में, ऐसा कुछ विश्वास है। एक चीज और कहकर मैं वाणी को विराम दूंगा, क्या कि
भट्टी में क्या क्या बाबा ने बताया, भट्टी ने बाबा ने बताया कि कैसे पत्थर को मूर्तिकार अपने अंदर मूर्ति सजोता है और फिर मूर्ति बनाता है, कैसे उड़द की दाल मूंग की दाल पहले मरी अच्छी तरीके से जानती है, कि कैसे मूंग की दाल उड़द की दाल से बड़ा बनता है, बड़ा बड़ा, वो मैं प्रक्रिया पर नहीं जाना चाहूंगा, आप जानती है ना, इसलिए नहीं जाऊंगा। तो आज जो जो भी मतलब तीन दिन की भट्टी से जो हमको मिला है, मैं अपनी दीदी को जरूर एक बात कहना चाहूंगा, दीदी ऐसे ऐसे रत्न चुनकर चुन चुन करके लाती है जो वास्तव में लखनऊ को जो लकी शहर राजधानी कहा गया है, वही स्टार यहाँ आकर बाबा का ज्ञान सुना करके यहाँ से जाते हैं और जाते ही नहीं, जाते ही नहीं, उनको भी लखनऊ ऐसा भा जाता है कि हम बार बार लखनऊ आए ऐसा। तो मैं इतनी भाई चौबी भाई बहुत कुछ भाई और बहने बोलने की स्थिति में होंगे और मैं उनके बीच में ज्यादा कुछ नहीं समय देना चाहूंगा, मतलब लेना चाहूंगा, मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति। जब मैं 95 से गाना लिखना, मैं तो नहीं लिखा, गाने को इंटरेस्ट नहीं था, मैं ओरिजिनल में डांसर हूँ और बचपन से बहुत डांस किया, दादी प्रकाश मणि का फेवरेट डांसर था, तो लेकिन 2002 से डांस की जो फाइलें बुद्धि से डिलीट कर दिया, लेकिन 95 में मतलब बहुत सारी भाइयों को डांस सिखाया, ग्रुप में रहे, लेकिन 2002 में फाइल डिलीट कर दिया। ठीक है, अभी 95 में दिसंबर महीना में बाबा से मैं बात कर रहा था, बाबा के कमरे में, बाबा मुझे किस लिए चुना, किस लिए लाया, वैसे 91 से रोज बात करता था, आज भी बाबा से बात कर रहा हूँ और स्वयं ब्रह्मा बाबा सामने आ गए, स्वयं ब्रह्मा बाबा आ गए और बोलते बच्चे गाना लिखो, कोई सोचा नहीं था। और लौकिक में मैं बता दूं, बचपन से मेरे अंदर था कि मैं एक्टर बनूं, कौन सी एक्टर पता नहीं, लेकिन फिल्मों में जाऊंगा, एक्टिंग वेटिंग करूंगा, वो मुझे पसंद है, स्टेज पे आना है, उसके लिए डांस एक्टिंग सब सीखा, लेकिन अभी बाबा कह रहे हैं गाना लिखो, पूरा हट के, जो आपने सोचा नहीं, बाबा दूसरा चीज, यहाँ से कोई इंजीनियर जाता है तो वहां को झाड़ू लगाने मिलते हैं मधुबन में, अलग ही हट के सेवा मिलता है। तो इस तरीके से बाबा ने कहा गाना लिखो, अरे मैं हिंदी पढ़ा नहीं हूँ, हिंदी लिखा नहीं हूँ, हिंदी जानता नहीं, बोल नहीं पा रहा हूँ, कोई कहता था ना शुरू शुरू में मधुबन में आए तो हिंदी तो आता नहीं था, तो मैंने थोड़ा बहुत सीखा लोगों से, जैसे कह रहे हैं मैं जा रहा हूँ तो उड़िया में कहते हैं, उड़िया हिंदी ज्यादा डिफरेंट नहीं है, उड़िया में कहते हैं मुँह जाऊ छी छी, ये लास्ट में लगता है, तो हिंदी में क्या होना चाहिए, मैं अपने मन से बना लिया कि मैं जा रहा हूँ ना, मैं जा रही हूँ, ये पता नहीं होता ग्रामर क्या होता है, कि बहने बोलते हैं भाई बोलते हैं अलग अलग, तो जब मैंने खाना खा लिया तो मैंने कहा भाई मैं जा रही हूँ, तुम कहाँ जा रही हो, तो इस तरीके से लोग बहुत हंसी माना, अच्छा लगता था लोगों को, इंजॉय करते थे, हिंदी तो बिल्कुल आता नहीं था, अभी बाबा ने बोल दिया हिंदी लिखो गाना लिखो, उड़िया में तो लिखूंगा नहीं मधुबन में बैठ के, तो पहला गाना लिखा वो छप गया, और उसके बाद गाने के अंदर डूब गया, रात दिन 24 घंटे, रात को 2 बजे उठकर गाना लिखता था, और इतनी अनुभूति हुई गाने के अंदर, लिखता गया, और ये फरिश्ते हम बहुत अपना दूर घर, जब मैंने लिखा ये कब लिखा पता नहीं, बहुत सारे फरिश्ते की गाना मेरा है, उड़ चले वतन में फरिश्ते, ये सब मैं अनुभव जो करता था और अपने आप लिखता, लेकिन बाद में पता चला गाना मैंने क्यों लिखा था, और 2005 में जब रिलीज हुआ ये पूरा इतना रिकॉर्ड तोड़ दिया सब जगह पे, जहाँ देखो फरिश्ते हम बहुत दूर अपना घर, आज भी सबकी मोबाइल रिंगटोन काफी जगह पे बजता है, आप सुने होंगे डाइनिंग हॉल में चल जाएंगे, वो डायमंड हॉल में योग चल रहा है, फरिश्ते हम क्यों नहीं बजेगा, तो कहने की बात है, वो जब गाना बजा फिर मेरी एक मोड आ गया, क्योंकि सबकी दुआएं इतने बरसने लगी, फिर लाइफ चेंज हो गया, इससे पहले भी काफी सारी सिटी बनी हुई थी, लेकिन जैसे मैंने कहा अनुभूति की, ये कब अनुभूति हुआ कब लिखा मुझे वो टाइम पता नहीं, लेकिन इस तरीके से लिखते लिखते गाना अभी भी चल रहा है, फरिश्ते हैं हम बहुत दूर है अपना घर, आए थे धर
धरती पर अब लौट रहे हैं उधर, फरिश्ते हम बहुत दूर है अपना घर। सुना सभी ने, आए थे धरती पर अब लौट रहे हैं उधर, फरिश्ते हम